हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सो वी आर हेयर फॉर अनदर. सी, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस द नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, राइट? नाउ दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरटेक इवन द एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन. तो हमें आज ये देखना है कि क्या वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड विच विल हेल्प अस एक्सेल इन द प्रिपरेशन इटसेल्फ, और आप बड़ी स्मूथली और रेगुलरली प्रिपरेशन कर पाओगे. ठीक है, तो आई कॉल इट सेल्फ मैनेजमेंट, है ना. ऑल दो इट्स नॉट, इट्स अ होलिस्टिक मैनेजमेंट. आप इसको मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम भी कह सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट का जो इकोसिस्टम है, हाउ ही हैज़ टू मैनेज हिज ओन और हर ओन इकोसिस्टम, है ना. तो इसमें बेसिकली ये चीज़ें हमें मैनेज करनी है. आई विल गिव यू सम वेरी क्लियर कट प्रिस्क्रिप्शंस कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बाद में आपको यू विल फेस अ प्रॉब्लम, राइट. नाउ सी, फर्स्ट थिंग इज, इसमें तीन बातें हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर. सेल्फ मतलब आई एम सेल्फ हेयर, नॉट इन टेक्निकल सेंस. सेल्फ मीन्स द इंडिविजुअल, द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट. सो इसमें एक आपका फिजिकल एस्पेक्ट है एंड मेंटल एस्पेक्ट है एंड सोशल एस्पेक्ट है. ये तीन एस्पेक्ट हैं आपके, एंड दीज थ्री एस्पेक्ट्स यू हैव टू मैनेज अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन, अलॉन्ग विद योर एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, राइट. हम तीनों देखेंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है, मेंटल में क्या आता है और सोशल में क्या आता है, एंड हाउ द मैनेजमेंट ऑफ दीज थ्री कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन, रिटेंशन, कॉन्टिन्यूटी एंड सक्सेस, फाइनली सक्सेस. सो आपको ये तीनों एलिमेंट कैसे मैनेज करने हैं वो हमें देखना है इसको, ठीक है. सो अगर आप नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट. नाउ फिजिकल एनवायरनमेंट में दो एस्पेक्ट हैं, एक तो आपकी बॉडी है, आपकी अपनी बॉडी. आई विल गिव यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. जैसे इन द लास्ट ईयर्स पीपल हैव कम टू मी एंड स्टूडेंट्स हैव कम टू मी एंड दे हैव नरेटेड देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ दोज प्रॉब्लम्स अफेक्टेड देयर प्रिपरेशन, वो मैं शेयर करूँगा आपसे, ठीक है ना. अब फॉर एग्जाम्पल, सी व्हेन यू टॉक ऑफ योर बॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बॉडी शुड बी हेल्दी. इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है. इफ़ योर बॉडी इज हेल्दी देन ओनली यू कैन प्रिपेयर कॉन्टिन्यूसली, है ना. तो इसमें आइडिया इज कि व्हेन वी टॉक ऑफ योर बॉडी, दो बातें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं विच इन्फ्लुएंस योर प्रिपरेशन. वन थिंग इज फूड, कि वट काइंड ऑफ फूड डू यू टेक, वट काइंड ऑफ फूड यू विल टेक, क्या किस तरह का खाना आप खाते हो, एंड सेकेंडली कितना आप सो रहे हो, हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप. कितना आप सो रहे हो, ये दो बातों का आपको ध्यान बहुत रखना है, राइट. नाउ फर्स्ट थिंग इज फूड. नाउ सी, इट्स वेरी नेचुरल कि आप यू आर टेकिंग थ्री मील्स अ डे, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, है ना. एंड इन बिटवीन द टाइम इज फॉर स्टडीज, कि ब्रेकफास्ट करके आप पढ़ने बैठोगे, आप लंच करके पढ़ने बैठोगे, डिनर करके पढ़ने बैठोगे, इजंट इट. दैट इज यू आर स्टडिंग आफ्टर. आप खाना खाने के बाद पढ़ रहे हो. द काइंड ऑफ फूड डू यू ईट, विल इट इन्फ्लुएंस योर टाइम आफ्टर योर, वट यू से, टेकिंग द ब्रेकफास्ट और टेकिंग द लंच और टेकिंग द डिनर. अब सपोज ब्रेकफास्ट कर लिया आपने 9 बजे एंड 9 to 1 आप पढ़ रहे हो 4 घंटे के लिए, द काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट यू टेक एट 9 डेफिनेटली विल इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर थिंग. मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल सेइंग दिस थिंग कि सर सुबह ना पढ़ा नहीं जाता, हम सुबह पढ़ने बैठते हैं 10 बजे और 10 से 1 ना वो पता नहीं बस पढ़ा नहीं जाता. अब पढ़ा क्यों नहीं जाता, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेशन, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग. पढ़ा इसलिए नहीं जाता बिकॉज जो सुबह ब्रेकफास्ट में फूड लिया वो ठीक नहीं था. अब आपने सुबह ब्रेकफास्ट में 2 परौंठे खा लिए, है ना, 2 परौंठे खा लिए, साथ में आपने लस्सी पी लिया, दूध पी लिया, तो डेफिनेटली आप जो आपका जो पढ़ने का सिस्टम है वो हिल जाएगा. सपोज आपको खाना ही पड़ रहा है तो आपको उसको नलीफाई जरूर करना है. मैं छोटी सी टिप दे रहा हूँ, ये मतलब अल्टीमेटली क्या है ना कि ये आपको अभी एहसास नहीं होगा, बट वंस यू कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस इट यू विल रियलाइज कि यार इट्स वेरी बेनिफिशियल. आप परौंठे खा ही रहे हो तो परौंठे के साथ यू टेक कर्ड, आप कर्ड लो. नेवर टेक मिल्क,
मत दूध मत पियो साथ में उसके, कर्ड लो आप, डोंट टेक बटर बट टेक कर्ड। थोड़ा टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कई लोगों को, बट देयर इज नो वे आउट। राइट, और इफ यू हैव द टेस्ट यू कैन स्टार्ट टेकिंग सम अदर अल्टरनेटिव मील्स लाइक ओट्स, यू कैन ओट्स यू कैन टेक, यू कैन टेक सम कॉर्न फ्लावर्स, मतलब देयर आर सो मेनी मोड्स ऑफ ब्रेकफास्ट यू कैन टेक। बट रिमेंबर वन थिंग, आप अगर पूरियां खा लोगे सुबह है ना, खूब लस्सी पी लोगे, तो फिर उसके बाद तो नींद आएगी आएगी है ना। चलो कभी आप हैवी खा भी लो, सपोज आपको खा भी लो एंड यू थिंक दैट आपको पढ़ना है, तो वॉक फॉर 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट के लिए वॉक कर लो। आप वॉक करके पढ़ने बैठो, 15-20 मिनट वॉक करो फिर पढ़ने बैठो, उससे थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा आपका जो हैवी फूड है। अब आप सोचो कि बात को, इसी तरह से लंच है, इसी तरह से डिनर है। नाउ इफ यू डोंट मैनेज योर फूड और यू डोंट मैनेज योर सेल्फ वाइल टेकिंग फूड, देन हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्टडी वेल, है ना। अब कोई बच्चा अगर मेरे से आके क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरे से इतना 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता ना, और वो मुझसे पूछता है कि सर 6 से मैं 12 कैसे करूँ, देर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स दे बिलोंग टू दिस लेक्चर, जिसकी वजह से आपके घंटे कम होते जाते हैं, और घंटे भी कम होते जाते हैं एट द सेम टाइम द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्टडी ऑल्सो इज कॉम्प्रोमाइज, आपके पढ़ने की इफेक्टिवनेस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फूड का हमें बहुत ध्यान रखना है, राइट। एंड सेकंड थिंग इज योर स्लीप। नाउ जो सोने का जो टाइम पीरियड है दैट इज 6 to 7 hours, 6 से 7 घंटे से ज़्यादा हम प्रिस्क्राइब नहीं करते सोना, ना ही कम। सम पीपल कम टू मी कि नहीं सर हम तो 4 ही घंटे सो रहे हैं, दे कैन नॉट, योर माइंड विल नॉट रिमेन एक्टिव। हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज मस्ट, और 6 से 7 घंटे सोना है बस, इससे ज़्यादा नहीं सोना और इससे कम नहीं सोना, ठीक है ना। अब आप अगर इससे ज़्यादा सो रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पूरे सेल्फ मैनेजमेंट करो, जो टिप्स हम दे रहे हैं उसको मैनेज करो, फिर देखो कि क्या आपकी स्लीप कम होगी ऑटोमेटिकली। अगर फिर भी कम नहीं होती है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस कि सही सर मैंने ये कर लिया बट आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई स्लीप, आई एम स्लीपिंग फॉर 10 hours a day, 12 hours a day, देन देयर मे बी सम अदर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू एग्जामिन। तो अल्टीमेटली बट अगर कोई 10 घंटे सो रहा है या 12 घंटे सो रहा है, देन यू आर बिफुलिंग योर सेल्फ, यू कैनॉट स्टडी, आप तैयारी नहीं कर सकते प्रॉपरली। 10 घंटे सोने के बाद 2 घंटे तो वैसे ही आपके वेस्ट जाएंगे, फिर आपको बचे कितने टाइम, कुछ भी नहीं बचा। ओके, ऑल्दो यू आर नोइंग एंड यू आर डूइंग इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट द कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्टिन्यूटी है आपके प्रिपरेशन के अंदर, इन चीज़ों से बहुत इफेक्ट होती है। नाउ सेकेंड आस्पेक्ट इज योर स्टडी एनवायरनमेंट, कि आप कैसे बैठ के पढ़ रहे हो, है ना। कई बार हम सबसे इंपॉर्टेंट UPSC में प्रिपरेशन में क्या चीज़ है, यू हैव टू पर्सनलाइज अ स्पेस, आपको अपनी एक स्पेस पर्सनलाइज करनी है। ऐसा नहीं है कभी आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, कभी आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, कभी आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। अवर माइंड डजेंट रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग, अवर माइंड गेट्स कन्फ्यूज, उसकी रिटेंशन कम हो जाती है। जैसे आपको याद होगा कि यू माइट बी गोइंग टू लाइब्रेरी, वी यूज टू स्टडी इन लाइब्रेरी, है ना। तो हम लाइब्रेरी में बैठते थे तो वी ऑलवेज वॉन्टेड की टू सिट इन द सेम चेयर, सेम टेबल पे बैठ के वहीं बैठेंगे। अगर हमारी जगह पे कोई और बैठ गया है तो हम नज़र रखेंगे यार कब वो उठे और कब हम वहाँ जाके बैठ जाएं। वाई, दैट इज व्हाट, दैट इज द लैंग्वेज अवर माइंड अंडरस्टैंड्स। इसी तरह से व्हेनेवर यू सी इन द क्लासरूम ऑल्सो, व्हेन यू कम टू अटेंड अ क्लास इन द क्लासरूम, देन यू डेवलप अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर चेयर या पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द रूम। वाई, दैट इज अवर माइंड। उसी तरह से जब आप घर में, व्हेन यू आर स्टडिंग, देन यू हैव टू पर्सनलाइज अ स्पेस, यू हैव टू मेक आउट अ स्पेस कि ये यहाँ बैठ के मैंने पढ़ना है और वहीं बैठ के पढ़ना है आपने, है ना। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पर्सनलाइज, टू पुट अ सिंबल्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर स्पेस, कि आप अपना टाइम शेड्यूल बना के रखें, कुछ पॉजिटिव कोट्स रखें, कुछ आप इंस्पिरेशनल चीज़ें रखें अपने टेबल पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप उसको ना पढ़ें, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बुक की रखी हुई है आपने, एक कोई कोट ही रखी हुई है अपने, आपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे एक पॉजिटिव कोट लगा दिया। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट मैटर अलॉट। इसको करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेस्ट मोड ऑफ स्टडी इज टेबल एंड चेयर, है ना। एक टेबल एंड चेयर आपको जरूर लगाना है और अपना बैठ के आराम से पढ़ना है जो आपको टास्क आपने अपने लिए तय किया है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वेदर वी शुड गो फॉर लाइब्रेरी और नॉट।
कि लाइब्रेरी में जाएं या ना जाएं। देखो लाइब्रेरी इज अ गुड थिंग है ना, बट अगर आपके घर में यू डोंट हैव कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देन ओनली आई सजेस्ट यू गो टू लाइब्रेरी। और यू फेस प्रॉब्लम स्टडिंग अलोन, आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाता अकेले बैठ के, सम पीपल हैव दैट बेसिक नेचर, देन दे मे गो टू लाइब्रेरी। अदरवाइज टू द एक्सटेंट पॉसिबल इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर दैट कि आप अपने घर में अकेले बैठ के पढ़ें, सो दैट द डिस्ट्रैक्शन इज मिनिमम, डिस्ट्रैक्शन इज मिनिमम। क्योंकि आप समझ लीजिए ये हमारा वेल रिसर्च्ड थिंग है कि अगर आप 6 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, 6 hours ऑफ लाइब्रेरी इज मे बी इक्वल टू 3 hours ऑफ होम, हाफ इफेक्टिवनेस लाइब्रेरी में जनली रहती है, बिकॉज लाइब्रेरी में देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कोई उठ रहा है आपके सामने बैठ रहा है, आपकी नज़र जाएगी, सी एवरी टाइम सी यू कैन नॉट गेट इन टू द बुक्स। या कोई लाइब्रेरी के अंदर आपका पर्सनलाइज रूम है, कोई रीडिंग रूम है जहाँ पे बिल्कुल ही सक्लूजन है, तो इंटरफ्रेंस हैज़ टू बी मिनिमम। जितनी भी देर पढ़ना है आपको उतनी देर बिल्कुल कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए, यू शुड बी कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, उतना ही माइंड आपका ज़्यादा रिसीव करेगा चीज़ों को, राइट। उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वी शुड स्टडी इन ग्रुप और नॉट। देखिए स्टडी इन ग्रुप इज अ लेटर प्रोसेस, कई बार बच्चे मैंने देखे हैं तैयारी शुरू करी पहले ही ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, फिर वो ग्रुप टॉक ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। आफ्टर 1 year ऑफ प्रिपरेशन और 1.5 year ऑफ प्रिपरेशन देन यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप, वो भी ग्रुप ऑफ दो स्टूडेंट्स जो एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वी फॉर्म ग्रुप विद पीपल जो बिल्कुल ही एक वो हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे है और उसी ग्रुप में बच्चा आ गया एक लो लेवल प्रिपरेशन पे, दैट डजंट सूट। उसमें क्या है कि ये बच्चा बहुत कई बार कॉम्प्लेक्स फील करने लग जाता है, वो समझता है नहीं है कि अभी मेरे को तैयारी करनी है, बट समटाइम्स इफ दिस पर्सन इज नॉट गाइडिंग प्रॉपरली तो ये हार्म हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी आई डोंट रिकमेंड इन द बिगिनिंग, बट आई डू रिकमेंड कि अगर आप एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन अचीव कर लें उसके बाद यू कैन फॉर्म ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड ऑल, फॉर फर्दर ग्रोथ, फॉर फर्दर एनरिचमेंट, फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, है ना। बट ऐसा नहीं है कि शुरू में ग्रुप बना के बैठ गए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, चैट मारी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं। आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस एंड आई हैव सीन पीपल टोटली लूजिंग देयर प्रिपरेशन जस्ट ड्यू टू 1 WhatsApp ग्रुप, कि वो 4 लोगों ने अपना बना लिया, तैयारी शुरू करी है, गॉसिप करी जा रहे हैं, कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं है, जस्ट किसी ने वहाँ से कोई बात सुन ली वो पोस्ट कर दी, किसी ने वहाँ से बात कर ली, कोई एक स्ट्रेटजी बन नहीं पाई एंड टोटली प्रिपरेशन इज गॉन एंड एवरीबडी इज कन्फ्यूज्ड इन द ग्रुप। तो आप एक बार खुद तैयारी करो, एक स्ट्रेटजी से तैयारी करो एंड आफ्टर दैट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अ ग्रुप कैन बी मेड फॉर फर्दर डिस्कशन एंड एनरिचमेंट, नॉट फॉर इन द बिगनिंग। ये आप बात मेरी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझोगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा कि अरे क्या डैमेज हो गया, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बातें हैं, नथिंग एल्स। इसके अंदर कोई आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कोई फिक्स चीज़ है, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। एंड लास्ट थिंग इज योर फोन, व्हाइल यू आर स्टडिंग योर फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ और इट शुड बी ऑन साइलेंट मोड लाइंग समवेयर एल्स। अगर आप पढ़ रहे हो टेबल पे और साथ में आपके फ़ोन रखा है उसमें व्हाट्सएप ऑन है, आप गलत फहमी में हो कि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो एकदम व्हाट्सएप पे टंग बजा, आपने उठा के देख लिया, वो वहीं पीछे सारा डिस्कनेक्ट हो गया, माइंड नहीं समझता ये बात, माइंड कंफ्यूज हो गया कि ये मुझे ये पढ़ने के लिए कह रहा है या ये मोबाइल देखने को कह रहा है, माइंड को नहीं पता। डेवलप अ हैबिट कि 3 घंटे पढ़ रहे हो डेफिनेटली मतलब बिल्कुल आपने इसको साइड पे कर देना, फोन सोशल मीडिया लैपटॉप अगर उसमें कोई आपका इंटरनेट है तो कोई खुला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल 100% ट्रू चीज़ है, एग्जामिन्ड चीज़ है एंड वी हैव मेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर दिस थिंग, बहुत एक्सपेरिमेंट किया हमने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका ये कंप्लाई होनी चाहिए कि आप फ़ोन नहीं आपने करना, फ़ोन नहीं आपने करना। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मॉर्निंग में पढ़ें कि यार सर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें, 5 बजे उठ के पढ़ें, 6 बजे उठ के पढ़ें। डेफिनेटली देखो देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टडिंग इन द मॉर्निंग, बट इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग हैबिट, बिकॉज सुबह 4-5 बजे उठ के अगर आप पढ़ते हो तो आपकी रिटेंशन इज़ वेरी वेरी हाई, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑल्सो। इफ़ यू आर ए लेट स्लीप आपको इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ
sleeping late, and if you have a habit of studying at night, so I don't mind. But once or twice you can try with yourself, you can experiment with yourself whether you can switch to that clock, sleeping at around 10 or 11 and getting up at 4 a.m. or sleeping at around 11 and getting up at 5. अगर आप ऐसी क्लॉक सेट कर सके तो नथिंग लाइक दैट बहुत ही बढ़िया चीज़ है. एंड स्टूडेंट्स हैव आई हैव कम अक्रॉस नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स हु डू दिस थिंग एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल. बट लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रात को पढ़ते थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है. तो बट ये है कि इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर हेल्थ ऑल्सो, फॉर बॉडी ऑल्सो, फॉर माइंड ऑल्सो. अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ है. लेकिन इतना पक्का है कि व्हेन यू आर स्टडिंग योर फोन शुड बी अवे फ्रॉम यू. You cannot take two things together, किसी भी हालत में नहीं है ना. आप करके देखो इसको एक्सपेरिमेंट, 15 डेज के लिए फ़ोन को साइड पे रखो और 15 डेज उसके बाद फिर फ़ोन को अपने पास रखो एंड सी फॉर योर सेल्फ कि वट डिफरेंस इट मेक्स. ठीक है, तो दिस इज़ द फिजिकल इन्वायरमेंट आस्पेक्ट जो आपको मैनेज करना है वाइल यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. देर हैज़ टू बी अ डिस्टिंक्ट चेकलिस्ट कि हाँ भाई मैंने ये काम कर लिया है. Now next is your mind management. अपने दिमाग को कैसे मैनेज करें. सी यू हैव मैनेज योर बॉडी, यू हैव मैनेज योर स्टडी एनवायरनमेंट. आप अच्छा से बैठ के पढ़ते हो, अपना आपका स्टडी कॉर्नर है, ठीक है, आप अपने पढ़ने के लिए बैठे हो. लेकिन अगर आपका माइंड ही ठीक नहीं है, दिमाग में स्ट्रेस है, टेंशन है, आप बस एक नेगेटिव सा फील कर रहे हो तो पढ़ोगे क्या. आपके पास सारा स्टडी मटीरियल है, यू हैव ऑल रिसोर्सेज, यू हैव ऑल गुड लेक्चर्स, आपके पास सब कुछ है, बट आपका दिमाग ही ठीक नहीं है. Then again, your whole preparation is useless. तो ये कुछ तीन चीज़ें मैंने निकाली हैं माइंड मैनेजमेंट के लिए. अदरवाइज चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन आगे आगे बात करेंगे. ठीक है ना. आई हैव ऑल्सो डिवाइज्ड फ्यू मेडिटेशन टिप्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर UPSC एस्पिरेंट्स एंड पीपल हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड पीपल हैव टेकन लॉट ऑफ बेनिफिट्स. बट एक बार मेरी आपसे वो बन जाए तो फिर आपको मैं वो मेडिटेशन कराऊंगा. जस्ट 5 मिनट्स की मेडिटेशन है वो, मैं आपसे आपके साथ मिलके हम करेंगे एक बार एज द डेज कम एंड यू विल सी द रेवोल्यूशन विच यू एक्सपीरियंस. आई एम एबल टू वर्क 15 to 16 आवर्स अ डे ओनली बिकॉज ऑफ दोज टाइप्स ऑफ मेडिटेशन थिंग्स एंड स्टिल फीलिंग फ्रेश. ठीक है ना. वो ऐसी टेक्निक्स हैं विच टोटली चेंजेस योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड, योर बॉडी, आपका सारा एक मतलब आपके देखने का ना पूरा वही बदल जाता है. और छोटी छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल. तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि वाइल यू आर प्रिपेयरिंग स्टे अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट और कन्फ्लिक्ट. जस्ट विदड्रॉ. हमें किसी भी आर्गूमेंट या किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. इसको डोंट थिंक दैट यू आर बींग कवर्ड और लाइक दैट. नो, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कॉन्शियस डिसीजन दैट आई हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू. है ना. आप सड़क पर जा रहे हो, ठीक है ना, कोई साइकिल वाला आपके सामने आ गया, कोई कार ने टक्कर मारने लगी, ये हो, एंड वी इंस्टेंटली एंटर इनटू हीटेड डिस्कशन. नो नो, जस्ट विड्रॉ, से सॉरी एंड मूव अवे. सेम इज केस सम फ्रेंड, सम फैमिली मेंबर, सम रिलेटिव. वेन एवर देर इज अ सिचुएशन वेयर यू मे एंटर इनटू एन आर्गूमेंट और कन्फ्लिक्ट, जस्ट विड्रॉ. उस वक्त आपने इमीडिएटली मन में सोचना है कि अरे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई शुड नॉट एंटर इनटू दिस थिंग, नहीं तो आई विल वेस्ट माई फुल डे. आई विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स कि मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, और मैं यही सोचते सोचते पूरा दिन निकाल दूंगा और मेरा कोई पढ़ाई नहीं होगी. आर्गूमेंट एंड कन्फ्लिक्ट्स आर एनिमीज ऑफ अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. नो ईगो, बिकॉज यू हैव अ बेटर थिंग्स टू अचीव इन लाइफ. आप एक बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो और उस बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको ये छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करनी पड़नी है. जनरली फ्रेंड सर्कल में बहुत होता है ये. आपके फ्रेंड्स हैं, उसने कुछ कह दिया एंड यू एंटर इनटू आर्गुमेंट, ये है वो है, वो बहुत माइंड को इफेक्ट करता है. या पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, आपको देखना है कि मेरे को लीस्ट आर्गुमेंटेटिव या लीस्ट कन्फ्लिक्चुअल स्टेट में कैसे आना है. वो अपनी स्ट्रेटजी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको बनानी है कि मुझे अगले एक साल के लिए किसी के साथ आर्गुमेंट में या कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू वेस्ट माई टाइम. तो माइंड को इस तरह से मैनेज करना है कि ठीक है, उससे क्या काम रहोगे आप. जब आप पढ़ने बैठोगे तो और कोई एक्सटीरियस फैक्टर नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, तो माइंड कंफ्यूज नहीं होगा. एक तो माइंड का पार्ट है, आप कह रहे हो कि ये सोच रहा है, दूसरा पढ़ाई की तरफ बैठा है माइंड, तो वो तो फिर पूरा होल माइंड एक तरफ नहीं है ना. आई नीड कि आप पूरा माइंड आपका एक तरफ लगे बस, है ना.
तो अब सेकंड थिंग है इसमें कीप योर माइंड वेकेंट. अब होता क्या है सम टाइम्स इट हैपेंस विद अस ऑल्सो कि हम काम कर रहे हैं बैठे दो तीन घंटे काम किया, जैसे काम खत्म हुआ हम उठे मोबाइल को उठाया लग गए या सोशल फेसबुक पे लग गए, या अभी हम फेसबुक कर रहे हैं आधा घंटा से मैं व्हाट्सएप पे लगा हूँ उसके बाद एकदम पढ़ने बैठ गया. इट हैपन्ड, ये होता है आपके साथ. आप करो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास सो दे शुड थिंक कि ऐसा हो रहा है आपके साथ कि कई बार आप पढ़ रहे हो पढ़ते 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 ठीक है और एकदम फिर आपने मोबाइल उठा के आप अपने व्हाट्सएप पे आंसर करने लगे पढ़ाई खत्म करके. नो नो दिस इज प्रोहिबिटेड. आप तीन घंटे पढ़ाई करी आपने, आपने तीन घंटे के बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए अपने माइंड को वेकेंट रखना है. 15 मिनट तक जस्ट कीप ऑन स्ट्रॉलिंग वॉकिंग, वॉक करते रहो बस पढ़ के. 15 मिनट के बाद आप जो मर्जी कर लो, ठीक है आप मोबाइल उठा लो व्हाट्सएप चेक कर लो अपना कि कोई मैसेज तो नहीं आया या कोई और आपने चेक करना कर लो, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द बुक. उसी तरह से अगर इफ़ यू आर वॉचिंग टेलीविजन, आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप कुछ और एंगेज हो और आप पढ़ने बैठना है, आपने आपको 15 मिनट का गैप जरूर रखना है बीच में. जैसे आप कमरा है आपका, जैसे व्हाट आई यूजली डू, मैं क्या करता हूँ व्हेन आई हैव टू बिकॉज आई स्टडी, तो सपोज मैंने घर में कुछ कर रहे हैं कोई मेहमान आए हैं कुछ आए हैं तो आई जस्ट क्लोज माई रूम जब मैंने अपने रूम में आता हूँ एंड देन यू आई जस्ट वॉक फॉर 10-15 मिनट्स विद इन द रूम इटसेल्फ जस्ट कीपिंग द माइंड वेकेंट. आराम से आप 10-15 मिनट चलते रहो बस, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा. धीरे धीरे जो पिछला थॉट प्रोसेस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा. आप उसको रैशनलाइज करके उसको डिस्कस करके छोड़ दोगे, ठीक है वो खत्म हो गया, नाउ आई हैव टू सिट एंड स्टडी. लेकिन अगर एकदम पढ़ने में वही बैठ जाऊँ चेयर पे कि नाउ आई विल प्रिपेयर सम नोट्स पीपीटी बनानी है मैंने, तो इफेक्टिवनेस आती नहीं बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में आधे दिमाग में पिछली बातें चल रही होती हैं आधे दिमाग में आगे बातें आ जाती हैं. तो 15 मिनट्स रूल याद रखो, दिस इज अ रूल, 15 मिनट्स रूल. जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको मेरे को याद करना है एंड 15 मिनट्स रूल फॉलो करना है कि 15 मिनट के लिए सर ने बोला है और 15 मिनट के लिए हमने वेकेंट रखना है. अब क्लास में आप आए हो, क्लास तीन घंटे चलनी है, आप एकदम कुछ कर रहे थे एकदम आके क्लास के आगे बैठ गए, नो. आपको याद रखना कि अगर मेरी 12 बजे क्लास है तो 12:15 बजे मैंने फ्री हो जाना है, अगर 3 बजे क्लास है मेरी तो मैंने 2:45 बजे फ्री हो जाना है एंड फॉर 15 मिनट्स यू आर सिटिंग कामली. देखो क्लास की क्या इफेक्टिवनेस निकलेगी यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते. योर वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज और कुछ नहीं लग रहा है इसमें आपका, जस्ट सेल्फ मैनेजमेंट है, जस्ट अपने आप की मैनेजमेंट है, ठीक है ना. एंड लास्ट थिंग इज नाउ यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द सेंस कि लुक एट एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव एंगल. आपके आसपास कुछ भी हो रहा है ना पॉजिटिवली देखो, नेगेटिवली मत देखो उसको. अगर बारिश भी हो गई बहुत अच्छा हो गया, लाइट चले गई कोई बात नहीं चले गई ठीक है, अब क्या इसमें कर सकते हो आप. आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा, स्टे पॉजिटिव. डोंट सी ये जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज हम अपने आप में इकट्ठी कर लेते हैं ना, दे बिल्ड अप एंड दे ओवरलैप विद अदर थिंग्स. लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे यू विल सी कि आप अपनी तैयारी के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है. कई बार आपको लगेगा पढ़ाई करने में कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत बड़ा है. लेकिन यू हैव अ हैबिट ऑफ पॉजिटिविटी तो आप कहोगे नहीं मैं कर लूंगा कोई बात नहीं. इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ नेगेटिविटी तो आप क्या करोगे, नहीं और मेरे से नहीं होगा. सो हैबिट ऑफ पॉजिटिविटी इज इंपॉर्टेंट. कई बार है ना, कई बार यू विल सीम टू बी फूल टू योर सेल्फ कि व्हाट आई एम थिंकिंग यार, ये बारिश हो गई मैं आई एम पॉजिटिव, नेट बंद हो गया, हमको यार बड़ा अच्छा हो गया नेट बंद हो गया ठीक है कोई बात नहीं, नेट बंद हो गया ओके कोई बात नहीं मैं 10 मिनट ये कर लेता हूँ. पॉजिटिविटी, टीचर है क्लास में है फॉर एग्जाम्पल, है ना. अब सपोज मैं आई यूज टू समटाइम्स एक्सपेरिमेंट इन द क्लास, फिजिकल क्लास है, आप 10 मिनट टीचर लेट आया, अब एक बच्चा है और लेट हो गए, देखो जो टाइम ही नहीं है कोई, लेट हो गए 10 मिनट बर्बाद हो गए मेरे, मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया ठीक है. अब दूसरा बच्चा है एक, ही इज़ पॉजिटिव, अरे सर को काम हो गया होगा कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं बैठ के, द मोमेंट वो पॉजिटिव सोचता है बच्चा ना अपने रजिस्टर खोल लेता है, लास्ट लेक्चर ही रिवाइज करने लग जाता है कि जब हम तो क्लास में बैठे ही हैं सर आ जाएंगे पढ़ने लग जाएंगे, अभी तो पढ़ ही रहे हैं क्या. इट्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन एटीट्यूड. एक बच्चा यही सोचता रहेगा 10 मिनट कि यार क्यों नहीं आ रहे सर, हमारा तो टाइम खराब हो गया. बट टाइम खराब होना ना करना आपके अपने हाथ में है. एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन इकोसिस्टम. सर को कोई भी काम हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। ऐसे किसी फ्रेंड ने आपको टाइम दिया कि इतने बजे हम मिलेंगे, वो नहीं आ पाया, आप पॉजिटिव रखोगे कहीं फंस गया होगा, कोई ट्रैफिक होगा, कुछ होगा। चलो द मोमेंट आप पॉजिटिव सोचोगे उसी तक आप कुछ उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करने का तरीका ढूंढ लोगे टाइम को कि चलो ठीक है आई विल टेक आउट दिस रजिस्टर, इतने मेरी रिवाइज करो, जब आ जाएंगे चल पड़ेंगे, तो क्या हो गया। ईगो मत हर चीज़ में घुसाओ, छोटे छोटे चीज़ों में पॉजिटिविटी लेके आनी है, नेगेटिविटी नहीं लेके आनी। उससे क्या ना कि आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा, आर्गुमेंट में नहीं आएगा। आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है, आपने बोला किसी को खाना दे दो, वो थोड़ा लेट हो गया, आप टेंशन में आ गए, आप गुस्से में आ गए, दैट इज़ द एनिमी ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। यू थिंक कि ठीक है कुछ चल रहा होगा अभी, ओके इतने द मोमेंट यू थिंक पॉजिटिव आपका माइंड डिवाइसेस वे टू यूटिलाइज दैट टाइम। सो आप दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज किस एटीट्यूड से किस माइंडसेट से आप पढ़ने बैठते हो दैट डिसाइड्स कि कितनी रिटेंशन है आपकी, कितनी कंसंट्रेशन है, कि कैसे आप पढ़ाई को ले रहे हो। रिमेंबर माई वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। नाउ थर्ड थिंग इज योर सोशल एनवायरनमेंट। बॉडी मैनेज करी हमने, हमने माइंड मैनेज किया, एंड लास्ट थिंग इज हाउ टू मैनेज माई सोशल एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पीपल, अदर पीपल विद हुम यू इंटरेक्ट ड्यूरिंग योर डेली लाइफ। देखो आप इंस्टीट्यूट में आते हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग विद टीचर्स, प्रेजेंटली यू आर इंटरेक्टिंग विद मी, देन यू इंटरेक्ट विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, योर ब्रदर सिस्टर और एनी अदर फैमिली मेंबर, देन यू इंटरेक्ट विद योर रिलेटिव्स, यू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड यू इंटरेक्ट विद योर कोलीग्स। ये आपके मेन छः तरह के लोग हैं। इसके सातवां है अदर्स, जिनको आप ओकेजनली मिलते हो। ये है कि आप इनको इन अ वे रोज मिल रहे हो, पांच इन फाइव टाइप ऑफ पीपल यू आर मीटिंग डेली इन अ वे। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर सोशल एनवायरनमेंट? दे इन्फ्लुएंस यू, दे इन्फ्लुएंस यू, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद दीज सिक्स टाइप ऑफ पीपल, दे इन्फ्लुएंस योर प्रिपरेशन। इसमें मैं दो बातें लेता हूं कि वेदर दीज पीपल आर एसोसिएट्स इन योर प्रिपरेशन और दीज पीपल आर डिसोसिएट्स इन योर प्रिपरेशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन मतलब वेदर योर टीचर इज प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद यू, वेदर योर पेरेंट्स आर पार्टी टू योर प्रिपरेशन, वेदर योर रिलेटिव्स आर पार्टी टू योर प्रिपरेशन, वेदर योर फ्रेंड्स आर पार्टी टू योर प्रिपरेशन। आपका सोशल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि देर आर मोर देन मोर पीपल प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद यू, दे आर हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन इन वन वे और द अदर। यू हैव टू ओनली कीप एसोसिएट्स इन योर प्रिपरेशन, यू हैव टू ओनली कीप एसोसिएट्स इन योर प्रिपरेशन। आपको सिर्फ प्रिपरेशन में अपने एसोसिएट्स रखने हैं, डिसोसिएट्स नहीं रखने हैं आपको। अब एसोसिएट और डिसोसिएट में फर्क क्या है? एसोसिएट वो है विच इज पॉजिटिव अबाउट योर सक्सेस, और डिसोसिएट कौन सा है? हु इज नेगेटिव अबाउट योर सक्सेस। एंड दिस इज जज्ड फ्रॉम देयर बिहेवियर, नॉट व्हाट दे से। हमें अपने सारे पार्टीज को, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो देखो टीचर्स हैं, टीचर्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई टीचर ये सोचे कि आपका ना हो। And in 99.9% cases, the parents are also positive. They are also your associates. ये तो दो आपके पक्के associate हैं ही, unless and until there is some abnormality, very deep abnormality. Otherwise, तो 99.99% में both these people, they are your associates. तो इन दोनों को तो good humor में रखना बहुत जरूरी है, इन दिनों को positive रखना बहुत जरूरी है। You have to be positive towards them, then only they will be positive towards you. ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का और कोलीग्स का। इसमें यू हैव अ चॉइस। नाउ आउट ऑफ दीज पीपल यू हैव टू आइडेंटिफाई हु आर एसोसिएट्स एंड हु आर डिसोसिएट्स। रिमेंबर वन थिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन इटसेल्फ यू हैव टू क्लेरिफाई, यू हैव टू डिप्लोमेटिकली डिसाइड कि दिस रिलेटिव इज मूविंग अलॉन्ग विद मी माय प्रिपरेशन, आई विल टॉक टू दिस पर्सन, I will not talk to others. There are 100 ways to just slide out. कोई जरूरी नहीं है कि हम
वी शुड एसोसिएट विद एवरीबडी. देन फ्रेंड्स हैं, आपके पांच फ्रेंड्स हैं सपोज, आपको पता होना चाहिए कि ये पांच में से आई एम कैरिंग टू एंड आई एम नॉट कैरिंग थ्री. देर आर 100 वेज टू स्लाइड आउट. यू हैव टू स्लाइड आउट बट यू कैन नॉट कैरी डिसोसिएट्स अलॉन्ग विद यू, नहीं तो आपको तैयारी को खराब ही करते रहेंगे वो. आप पढ़ने बैठोगे है ना, दे विल ऑलवेज डिस्करेज यू एंड दे विल ब्रिंग सच इन्फॉर्मेशन बिफोर यू कि तैयारी तो बेकार ही है. और आपको किसी तरह से वो ऐसे ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएंगे कि आप वैसे डिमोरलाइज हो जाओगे. बट इफ़ अ पर्सन इज एसोसिएट तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा कि अरे आप नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, आप पढ़ो ना. आप नहीं जा पा रहे कहीं, सपोज आपने टाइम फिक्स किया एक फ्रेंड के साथ एंड सडनली यू बैक आउट कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता, मेरे को थोड़ा पढ़ना है. देन सी द रिएक्शन ऑफ दैट फ्रेंड. अगर वो फ्रेंड आपको कह रहा नहीं नहीं ठीक है आप पढ़ो कोई बात नहीं, आई विल गो लेटर, देन ही इज योर एसोसिएट. अगर वो फ्रेंड आपको इंसिस्ट कर रहा है नहीं देखो मेरा टाइम खराब हो रहा है, तूने जाने के लिए कहा था अब नहीं जा रहा, ये तो गलत बात है, दैट पर्सन इज डिसोसिएट. कट इट. स्मॉल ट्रिक, एक बार करो ऐसा, दो बार करो, अगर वो आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रेंड मेरे साथ चलने लायक है या नहीं लायक. वंडरफुल ट्रिक, मतलब इट इज यूज्ड बाय सो मेनी पीपल एंड गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स. आप देखोगे एक दो फ्रेंड ही रह जाएंगे आपके, बाकी सब उड़ जाएंगे. बस क्लियरली. सेकेंडली रिलेटिव्स. रिलेटिव्स देखो, फर्स्ट स्टेप इज टूवर्ड्स रिलेटिव्स, डोंट ट्राई टू टेल एक्सेसिवली कि आप तैयारी कर रहे हो. आपको ज्यादा किसी को बताना नहीं है तैयारी कर रहे हो, आप देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं. डोंट टेल एनीबडी, डोंट टेल योर रिलेटिव्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. अपने पेरेंट्स को भी मना करना कि आपने हर जगह डोंट ट्राई टू अनाउंस दैट वी आर माई चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. फर्स्ट स्टेप इज टू नॉट टू टेल, राइट. एंड सेकेंड थिंग, आप कोई भी रिलेटिव है ना, इनको जज करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका कि वेदर दे आर एसोसिएट और डिसोसिएट, टॉक नेगेटिव बिफोर देम. टॉक नेगेटिव बिफोर देम. आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप किसी रिलेटिव के सामने नेगेटिव बोलो कि मेरा तो कुछ नहीं बनना, बड़ी मुश्किल तैयारी है, मैं तो नहीं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं मेरा तो प्री भी नहीं होना. सी द रिएक्शन ऑफ दैट रिलेटिव. इफ दैट रिलेटिव ट्राइज टू कंसोल यू इन अ पॉजिटिव वे कि नहीं बेटा करो, आप करने से कुछ होता है, दैट इज पॉजिटिव, है ना. अगर वो दूसरा रिलेटिव चुप कर जाए या आपको और डीमोरलाइज करने की कोशिश करे, देख ले फिर रहने दे तैयारी, एम ए टाइम खराब हो जाएगा, तीन चार साल खराब हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट मीन्स दिस लेक्चर एक्चुअली एवरीबडी नीड्स बिकॉज नोबडी टेल्स दीज थिंग्स. आई स्टिल रिमेंबर कि वेन वी यूज टू प्रिपेयर, तो मैं लेक्चर देते हुए मेरे दिमाग में आता है कि काश उस वक्त हमें किसी ने बताई होती बातें ना, कई फ्रेंड्स झड़ जाते, कई रिलेटिव झड़ जाते और आराम से तैयारी करते, नहीं तो आधा दिन तो सोचने में बर्बाद हो जाता है कि यार ये क्या रिएक्शन करो इसका, इसने क्या बोल दिया मुझे, क्या नहीं बोल दिया मुझे, है ना. तो बी वेरी क्लियर, ये लेक्चर तो सबको चाहिए, हम मानते नहीं कई बार लेकिन बाद में सोचते हैं ना, आपको मेरी बातें याद आएंगी कि दिस वॉज अ यूनिक लेक्चर ऑन यूट्यूब एंड देर वॉज नो लेक्चर पैरेलल टू दिस इन प्रिपरेशन एंड नोबडी गाइड्स इन दिस वे बिकॉज इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस. बट नहीं, आप इसको सीरियसली लेना है और बहुत एक्सपेरिमेंट करके अपने एनवायरमेंट को ट्यून करना है अपने साथ. तो रिलेटिव्स के सामने नेगेटिव बात करो और देखो क्या कहते हैं, जो आपको फ्यूल करे नेगेटिविटी को, या एक दिन के बाद फोन करे अच्छा, या आपके पेरेंट्स को कहे ये बच्चा तो ना बड़ा टेंशन में आ गया, इसको तैयारी से हटा लो आप, ऐसे कर लो ऐसे, सब हो चुका है. ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं ये, कि आपको सुन लिया, आपको कहा रिलेटिव ने कि भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर आप बाद में आपके पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं, अच्छा मेरे को ना ऐसे कह रहा था ये, इसको ना स्ट्रेस हो गया, इसको बोल दो तैयारी छोड़ दे, दैट मीन्स कट, दैट रिलेटिव हैज टू बी कट. क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन शुरू में ही हो जानी चाहिए एंड आपके सोशल एनवायरमेंट ट्यून होना चाहिए, ठीक है ना. जो कुलीग्स हैं आपके, फ्रेंड सर्कल, बहुत ध्यान से इनको भी चॉइस करने का तरीका छोटा सा एक, आपके साथ में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में आप इकट्ठे बैठते हो, है ना, कौन आपके साथ चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, किससे बात करनी है नहीं करनी है, इसके लिए भी छोटी छोटी टिप्स हैं. यू हेल्प समबडी, आप अपने आंसर लिखो, एक आंसर लिख के अपने उसको शेयर करो कि देखो, तो आप देखो जरा कि हाउ डू यू लाइक दिस आंसर, है ना. और आप देखो कि क्या वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, क्या वो खुद जो लिख रहा है आपको दे रहा है, या व्हाट काइंड ऑफ सजेशन दैट पर्सन इज गिविंग.
आपको पता लग जाएगा कि यार कितना ओपन है बच्चा, ये कुलीग मेरा कितना ओपन है, इससे मैं बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता। कई बार क्या, यू विल फाइंड पीपल वो आपसे सब कुछ ले लेंगे, देंगे कुछ नहीं आपको। डोंट गेट यूज्ड, है ना। अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है यूपीएससी में। वो आपसे सारे नोट्स ले लेंगे, वो कहेंगे हम इकट्ठे मिलकर नोट्स बनाते हैं, तू इतने के बना ले, मैं इतने के बना लेता हूँ, ठीक है जी। आपसे बनवा लिए, अपने देने को मैं कर रहा हूँ, अभी पूरे हुए नहीं है, अभी और अच्छे से बनाने हैं, फिर देने हैं मैंने। नोट्स तो खुद ही बनाने होते हैं भाई, आंसर खुद ही लिखने होते हैं। किसी दूसरे के नोट्स, किसी दूसरे के आंसर लेके आज तक हमने किसी को आईएएस बनते नहीं देखा, है ना। व्हेन आई सी ऑन द इंटरनेट कि यार ये फलाना सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इसके नोट्स इतने पैसे के मिल रहे हैं, आई फील रियली सैड कि देखो कितना लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। नोट्स तो खुद बना के ही नहीं अपार होती है, खुद अपने हाथ से करोगे काम तभी नहीं अपार होनी है, किसी दूसरे के नोट्स। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, इनको चेक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डू स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट एंड डिसाइड योर सोशल एनवायरनमेंट कि हाँ ये मेरा सोशल एनवायरनमेंट ये रहने वाला है व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग। फ्रेंड्स आपके दो से ज़्यादा, तीन से, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब जिनसे आप रोज रेगुलर बात करते हो। बहुत ज़्यादा रखोगे तो कभी ना कभी मन मुटाव, टेंशन, आर्गूमेंट्स ये पॉसिबल हैं। इससे अच्छा मिनिमाइज करो ऐसे रिलेटिव्स, जितने ज़्यादा रिलेटिव से रखोगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है आर्गूमेंट होने की। जैसे ही आर्गूमेंट हुआ आपका दिन खराब, जैसे किसी फ्रेंड के साथ हुआ आर्गूमेंट आपका दिन खराब, ठीक है ना। अब आपको अपना, अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली करनी है। यू मे बी हैविंग अ बॉयफ्रेंड, यू मे बी हैविंग अ गर्लफ्रेंड, आजकल कोई बुरी बात नहीं है ये। यू मे बी हैविंग अ फ्रेंड ऑफ ऑपोजिट सेक्स, है ना, टुवर्ड्स विच यू हैव सम इंक्लिनेशन। क्लेरिफाई क्लियरली, बैठ के एक बार क्लेरिफाई कर लेना है कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी ये लिमिटेशंस हैं, तू मेरे साथ तभी चलेगा या चलेगी अगर ये लिमिटेशन के साथ चलना है, एक साल दो साल तो रहनी है, उसमें कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। आप दोनों तैयारी कर रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो बी वेरी क्लियर, पहले बिल्कुल एक तरह से ना एक एग्रीमेंट साइन कर लो कि भैया ये मेरी लिमिटेशन है, नहीं तो वो टेंशन होती रहेगी आपको। टेंशन ना देनी है ना लेनी है, चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि ये मेरी लिमिटेशन है। हम क्या करते हैं, वी डोंट क्लेरिफाई थिंग्स, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी फॉर दिस एडवाइस कि सर मेरा ये रिलेशनशिप है एंड कई बार बहुत टेंशन हो जाती है, उसने कुछ कह दिया, उसने ये नहीं कह दिया। तो मैंने खुद कई बार बच्चों को, दोनों को बुला के उनका एग्रीमेंट कराया कि यार आपने ये देखो, ये इसकी लिमिटेशन है, ये तुम्हारी लिमिटेशन है, ठीक है, नाउ डू दिस थिंग कि ये तीन चीज़ें आपने करनी है, इन तीन चीज़ें आपने, चलता रहेगा। लेकिन यू कैनॉट जस्ट कीप थिंग्स ओपन एंडेड एंड देन यू आर थिंक दैट यू आर प्रिपेयरिंग। आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग ईयर्स फॉर दिस पर्पज विदाउट एनी रीजन। रिलेशनशिप कैन बी मोटिवेट, शुड बी मोटिवेशनल रादर देन डीमोटिवेशनल। आपने अपने रिलेशनशिप को, हर रिलेशनशिप को, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे टीचर के साथ है, चाहे रिलेटिव के साथ है, आपने मोटिवेशनल बनाना है, डीमोटिवेशनल नहीं बनाना। उसके लिए क्या है, क्लेरिफिकेशन इज मस्ट, मैं किसके साथ हूं, किसके साथ नहीं हूं, अगर मेरा कोई रिलेशनशिप है ये बाउंड्रीज है, वेरी क्लियर। क्योंकि सक्सेस के साथ ही सब कुछ है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ के प्रेशियस तीन साल लगाए तैयारी के अंदर और कुछ भी आपको नहीं मिला इन वन फॉर्म और दी अदर, तो फायदा क्या उसका। तो एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन आपके पास होनी चाहिए कि आई हैव प्रिपेयर्ड विद फुल जील, मैंने 100% दिया। सारी जिंदगी ये ना लगता रहे अरे यार मैं अगर वो कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं वो कर लेती तो उससे कुछ और चेंज हो जाता, वो नहीं हमें अलाउड। हम अगर दो साल दे रहे हैं अपनी जिंदगी के, इट शुड बी 100%। एंड माई, टेक माई वर्ड, नोट माई वर्ड, कहीं लिख के रख लो, दिस तैयारी, दिस प्रिपरेशन नेवर गोज वेस्ट इन लाइफ। आप आईएएस बनो चाहे ना बनो, 100% बनोगे अगर आप सब कुछ फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप नहीं भी बने तो ये तैयारी आपको ऐसे हाइट्स पे लेके जाएगी कि यू विल नॉट, यू विल ऑलवेज थैंक दिस प्रिपरेशन कि यार मैंने अच्छा प्रिपरेशन करी, है ना। तो आइडिया इसकी ये आपको ध्यान में रखना है। तो दीज आर द सम सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स विच आई वांटेड टू शेयर, ठीक है ना। तो बाकी इफ यू फेस एनी सच प्रॉब्लम तो आप मुझे, यू कैन व्हाट्सएप मी आल्सो ऑन दिस नंबर। कोई आपका कोई इशू है पेरेंट्स के साथ, आपका कोई इशू टीचर के साथ है, कोई रिलेटिव के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, तो यू कैन ऑलवेज टेक माई एडवाइस, नो प्रॉब्लम, जस्ट व्हाट्सएप मी और you can seek for a suitable time and discuss the problem and it will be solved. There are so many things,
मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, इट्स अ वेरी लाइव एग्जाम्पल. देर वॉज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, शी वॉज लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली इन चंडीगढ़, राइट. अब वो बड़ी एक दिन शी केम टू मी एजिटेटेड, शी वॉज विद मी इन सोशियोलॉजी क्लास, तो मेरे पास आई, कहती सर मैं आई एम लिविंग प्रिपरेशन, मैंने नहीं करनी तैयारी. मैंने कहा क्या हो गया भाई, यू आर ए गुड स्टूडेंट, आपका चलो पिछली बार प्री नहीं हुआ तो आप. सर कहती नहीं, बात ये नहीं है, मैंने करनी नहीं तैयारी. मैंने बड़ा उसको कंसोल किया एंड आई देन शी शेयर्ड विद मी कि सर मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, वी आर लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली, तो घर में कोई ना कोई आया रहता है एंड माई फैमिली मेम्बर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, कोई मासी आ गई, कोई मामा आ गया, दे ऑलवेज कॉल मी कि नहीं आके मिल इनसे. कहते मेरा सारा रिदम टूट जाता है और डेली कोई ना कोई आता है, कभी कोई गांव से आ गया, कभी कोई आ गया, एंड दे डोंट लेट मी स्टडी, और मैंने नहीं पढ़ना अब, आई एम फेड अप, इसलिए मेरा प्री नहीं हुआ, मैं आई एम ऑलवेज फील एजुटेटेड. तो व्हाट आई डिड, आई मैंने कहा ओके कैन यू ट्रस्ट मी, कहते यस. मैंने कहा कैन यू लीड दिस मैटर टू मी, कहती हाँ. मैंने कहा वट एवर आई डिसाइड यू विल डू, कहती यस. मैंने ठीक है, मैंने कहा नाउ यू गो. आई कॉल्ड हर पेरेंट्स, मैंने दोनों पेरेंट्स को बुला लिया. मैंने कहा देखो जी ऐसा है, ये नीचे अकाउंटेंट रूम है, वहाँ से आप अपने बच्चे की फीस वापस ले जाओ, आई कॉन्ट टीच योर स्टूडेंट, टीच योर चाइल्ड. कहते सर क्या हो गया. मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज मैं जितना उसको आगे ले जा रहा हूँ आप उतना उसको पीछे ले जा रहे हो. कहते क्या हो गया. मैंने कहा दिस इज़ अ प्रॉब्लम. कहते हाँ सर, उसने कहा तो है कि बार वी जस्ट टुक इट लाइटली कि यार ये क्या कह रही है, ऐसी क्या बात होती, दो मिनट के लिए तो बुलाया था. तो कहते सर क्या करें फिर. मैंने कहा देखो ऐसा है, इसको ना पीजी में शिफ्ट कर दो. वो हैरान, कहते सर चंडीगढ़ में रह के शी विल रिमेन इन पीजी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी. मैं कहा क्यों गड़बड़ हो जाएगी, ये तो आपका माइंड सेट है, शी कैन नॉट स्टडी एट होम एंड यू हैव टू शिफ्ट हर टू द पीजी. कहते सर ये तो बड़ी अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है. मैं क्यों नहीं हो सकता, शिफ्ट हर टू पीजी. तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग हर टू पीजी दे हैड सम फ्लैट ऑल्सो, तो उन्होंने उसकी मदर को और उसको शिफ्ट कर दिया फ्लैट में. प्रेजेंटली शी इज आईएएस ऑफिसर, प्रेजेंटली शी इज आईएएस. कैन इमेजिन, छोटी सी बात, एक अपने एनवायरनमेंट को, उसमें पढ़ाई के तो कोई मैटर नहीं था, इट वॉज जस्ट सोशल एनवायरनमेंट, जस्ट एक डिसीजन लेने की पहल थी और कुछ नहीं. इट वॉज जस्ट लाइक टेकिंग अ डिसीजन कि मेरे को ऐसा करना है. कई बार हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते, बट इफ समबडी हेल्प्स देन डिसीजन इज टेकन, वो डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, नॉट मी ओनली यू, ये काम होता है आपके एसोसिएट्स का, जो कई बार आपको पॉजिटिव सजेशन दे देते हैं एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. सो यू हैव टू फाइंड एसोसिएट्स इन योर प्रिपरेशन एंड कीप ओनली दोज पीपल अलॉन्ग विद यू हु आर योर वेल विशर्स इन ट्रू सेंस. वो ऐसे वाले लोग हों जो अंदर से सोचें बन 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 बन, ऐसा ना हो कि वो बाहर से कह रहे हैं बन और अंदर से कह रहे हैं कहीं बन ना जाए, कहीं बन ना जाए. अब आपको ये डिफ्रेंशिएट सोचना होता है कि ये अंदर बाहर का ये कौन सा बंदा डिसोसिएट है और कौन सा बंदा एसोसिएट है. तो ये शुरू में जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को ट्यून करना, है ना. एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, द फिजिकल आस्पेक्ट, द माइंड एंड द सोशल आस्पेक्ट. ये तीनों चीज़ें आपको मैनेज करनी है, नहीं तो कोई ना कोई आपको अपनी तैयारी से डिरेल कर देगा. कुलीग्स में मैंने देखा है, कई बच्चे हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हो, बड़ा अच्छा लिख रहे हो, दूसरा बच्चा 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, वो जल जाता है देख के, अरे ये तो इतना अच्छा लिख रहा है, इसने तो अभी तैयारी शुरू करी है. वो आपको डिरेल ही कर देगा, आपको कुछ और ही जगह पे लगा देगा कि तू ये पढ़ने लग जा, तू ऐसे नहीं ठीक लिख रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, जो आपने ऑप्शनल रखा है तुमने तो बेकार रखा है, मेरा ही ठीक है ऑप्शनल. इन बातों से ना आपने परे रहना है, वो खाम खा की बातें जिसका तैयारी से कोई लेना देना नहीं है. आई हैव सीन प्रिपरेशन ऑफ द पीपल डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं पता. अब एक और छोटा सा किस्सा देके मैं खत्म करूंगा. सी वन डे व्हाट हैपेंड, वन गर्ल वाज सिटिंग इन द रूम एंड क्राइंग. बहुत पुरानी बात है, आज से 9-10 साल पहले की बात है. तो बच्चा क्लास में बैठा रो रहा है, तो सुभाष जी अवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सो ही केम टू मी विद अ वरिड टोन की सर एक लड़की क्लास में बैठी रो रही है, पता नहीं क्या हो गया. तो आई वाज आल्सो वरिड, पता नहीं क्या हो गया भाई. तो मैंने बुलाया, आई वेंट एंड आई कंसोल्ड हर कि हाँ बच्चे क्या हुआ बताओ, आप आओ मेरे साथ एक बार. तो वो रोने ही क्यों ना हटे, वो
तो रोई जाए रोई जाए रोई जाए, तो धीरे धीरे उसको पानी पिलाया, थोड़ा सा बिठाया, तो बताया ना कुछ भी। तो काफ़ी 5-10-15 मिनट हो गए, तो जब वो शांत हुई तो मैंने कहा बताओ बेटा हुआ क्या, ये बताओ। कहती सर कुछ बात नहीं है, बताने में शर्म आ रही है मुझे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, बताओ चलो। मैं कहा कोई बात नहीं, शेयर में यू ट्रीट मी लाइक योर फादर एंड जस्ट टेल मी। तो कहती सर ये हुआ कि मैं आई वॉज सिटिंग इन द क्लास, तो जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ तो उसी कॉलेज की 2 लड़कियाँ भी क्लास में पढ़ने आई। कहती वो मुझे देख के ऊँची ऊँची हंसने लग गई। कहती वो दोनों गर्ल्स जो थी वो टॉपर्स में थी और मैं एवरेज थी। कहती मुझे देख के हंसने लग गई कि ये भी करेगी तैयारी आई है इसके। कहती मेरे को इतनी डिप्रेशन लग गई कि मैं बस मेरा दिमाग घूम गया। कहती उन्होंने हंस के मेरी तरफ ऐसे इशारा किया कि ये करेगी तैयारी। अब देखो सोशल एनवायरनमेंट है ना ये, अब उस बच्चे को हमने टैकल किया, उसको कंसोल किया, उसको टिक्स बताई 2-3, मामला 2 दिन में सॉल्व हो गया। लेकिन अगर वो अनफिनिश चीज़ रह जाती तो मन में एक रह जाता ना, और पढ़ते हुए हमेशा उसको हंसी याद आती बस कि हंस रही है, मैं नहीं कुछ कर सकती। सो ये चीज़ें जो है ना, ये नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टडीज, डोंट इग्नोर इट। कुछ भी आप ऐसा आपको सिम्टम लगे, आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है, आप पढ़ते हुए आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, आप नहीं पढ़ पाते, तो थिंक कि आपने सोशल एनवायरनमेंट में, बॉडी में, माइंड में क्या चेंजेस करनी है आपने। फिर भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द इशू, प्लीज़ प्लीज़ टेल अस। लेकिन तैयारी करने का तभी फ़ायदा है अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर पाए। ठीक है, सो होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर एंड इट वॉज अ बिट अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ लेक्चर, बट आई रियली फील दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर, राइट। थैंक यू वेरी मच। तो मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट आस्पेक्ट्स के साथ और मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर, एंड पोस्ट योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑन द लेक्चर, कभी भी करो, कमेंट करो, तो आप दिस कमेंट विल कम टू मी एंड आई विल आंसर। ठीक है, तो आप इंटरेक्ट रखो कि देखो क्या आपकी प्रिपरेशन में हिंड्रेंसेज हैं या क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू लकी सिंह, थैंक यू उमंग, अपेक्षा, गुड।